कल बतलाया गया था प्राप्त भुगतान खाता बनाना, आज बताना हमें प्राप्त भुगतान खाते से या प्राप्त भुगतान खाते के बाद क्या बनता है, आज वह खाता बनता है। प्राप्त भुगतान खाते के बाद, यानी प्राप्त भुगतान खाते से, कुछ प्राप्त भुगतान खाते की मदों को ले लेते हैं। प्राप्त भुगतान खाते में ज्यादा मदद आती है क्योंकि प्राप्त भुगतान खाते में पूंजीगत मद भी लेते हैं और आगम मद भी लेते हैं। पूंजीगत का मतलब बताए थे कल कि ऐसे आया है जो स्थायी संपत्तियों से, स्थायी संपत्तियों पर व्यय किया जाए, एक वर्ष में क्रय करें और उनका लाभ कई वर्ष पर ले, वो क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत आदमी उन्हीं को बेच दे, बेचने से जो आया है वो क्या कहला जाएगी, पूंजीगत। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आय व्यय खाता बनाते समय भी कह सकते हैं, आय व्यय खाता बनाने के नियम, आय व्यय खाता बनाते समय ध्यान देने हुआ थे, ये भी कह सकते हैं। तो जैसे कल प्राप्त भुगतान खाता बता रहे थे, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, वर्ष में एक दिन बनाया जाता है, बनाना अनिवार्य। तो सबसे पहले शीर्षक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शीर्षक सबसे ऊपर, क्लब का नाम लिखेंगे, संस्था का जो भी जिसका भी होगा, पांच छह उदाहरण लिखा है ना शुरू में, फिर क्लब का नाम लिखेंगे, संस्था का नाम लिखेंगे, उसके बाद आय व्यय खाता लिखेंगे, आय व्यय खाते के बाद डेट, जैसे अंतिम खातों में फाड़ दिया लिखेंगे जो भी सर होगा, तीन लाइन में शीर्षक रहता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद प्रारूप बन रहा है खाते का, चार कालम का, डेबिट पार्टिकुलर से मांगू, पार्टिकुलर से मांगू, तो शुरू वाला पार्टिकुलर डेबिट का हो गया, उधर किनारे वाला टाइम हो गया क्रेडिट का हो गया। तो डेबिट पक्ष में व्यय को लिखते हैं, कौन को लिखते हैं, और कौन सा व्यय को लिखते हैं, आगमगत व्यय। अब कहोगे आगमगत पूंजीगत क्या है, आगमगत व्यय से तात्पर्य है जिनका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से, हर वर्ष में जिस वित्त वर्ष का बन रहा हो वो क्या कहलाते हैं, आगमगत। अब आगमगत व्यय क्या होते हैं, अनावर्तक होते हैं, ये भी जाने लगा जो प्रत्येक वर्ष होते हैं, ये नहीं कई बार होगा फिर दूसरे साल में होंगे, ये दो शब्द नहीं है, आवर्तक और अनावर्तक। आवर्तक व्यय कहलाते हैं जो प्रत्येक वर्ष होते हैं, बिजली का व्यय देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है, मजदूरी देना पड़ता है, कोई एक बार दे दिए तो 10 साल लगेंगे, प्रत्येक वर्ष ना देते ना, वेतन मजदूरी किराया ब्याज, ये आवर्तक कहलाते हैं जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होते। अच्छा, अपूंजीगत व्यय को अनावर्तक भी कहा जाता है, जो एक बार हो गए तो कई सालों तक न हो, मानी बार बार उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्रेडिट पक्ष में आय को दर्शाते हैं, क्रेडिट पक्ष में आय को, आय क्या, चंदा है, प्रवेश शुल्क है, गमन है, आय व्यय की मत दिखाई देगा। अच्छा, आय व्यय खाते में पूंजीगत मत नहीं आती, जैसे आय और व्यय चले रहे हैं लेकिन पूंजीगत आय और व्यय नहीं आएगी, पूंजीगत आय और व्यय नहीं आएगी। जैसे भवन खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, यानी बेच रहे हैं, तो न बेचने का पैसा आएगा इसमें ना खरीदने के, क्योंकि क्यों ना आएगा, क्योंकि ये पूंजीगत व्यय, क्या है, तो पूंजीगत ना व्यय ले जाता है तो पूंजीगत आय ले जाती है। अच्छा, आय व्यय खाते में कौन सी मदें लेते हैं, कि लोग पूंजीगत छोड़ देंगे तो ले लिया, आय दर्शाना व्यय भी दर्शाना है, तो कौन सी मदें दर्शाई जाती है, आगमगत। आगमगत का मतलब समझ गए, जिनका संबंध एक वित्तीय वर्ष से है, जो एक वर्ष के लिए और आवर्तक होती है, प्रत्येक वर्ष में। अच्छा, आय व्यय खाते में रोकड़ शेष प्रारंभिक एवं अंतिम नहीं, शेष नहीं दर्शाते, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते से बनता है आय व्यय खाता, कैसे बनता है, प्राप्ति भुगतान खाते से, तो प्राप्ति भुगतान खाते के अभिक्रियात्मक पक्ष में नहीं हुई, उसके प्राप्ति पक्ष में बताए थे कि डेबिट में प्राप्ति आती है, प्राप्ति भुगतान खाते में क्रेडिट में भुगतान रहता है,
खर्चेदार खाए जाते हैं कहां? क्रेडिट में। अप्राप्तियां जैसे नाम है प्राप्ति भुगतान, तो उसकी शुरुआत प्राप्ति भुगतान खाते का रोकड़ शेष से होती है, माने पिछले वर्ष की रोकड़ राशि है। जैसे रोकड़ बैंक बनाते थे सबसे पहले प्रारंभिक शेष दिखा रहता तो बैलेंस मुझे लिखते थे ना, ऐसे प्राप्ति भुगतान खाते में रोकड़ शेष रहेगी शुरू वाली और जब शेष निकालेगी तो बाई बैलेंस भी वाली। इसी प्रकार प्राप्ति भुगतान तो उस प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष को नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आज खाते का शेष इसमें बैलेंस नहीं लिखा जाता है, भाई कुछ ना कुछ रहेगा। एक खास बात इसमें और आया गया खाते में, प्राप्ति भुगतान खाते में हमेशा डेबिट का योग अधिक रहेगा क्रेडिट का कम, आय प्राप्ति अधिक रहेगी भुगतान, जैसे रोकड़ रंग में रहता है ना डेबिट प्राप्तियों का योग अधिक रहता है भुगतान का कम, वही की सुहाव का तो प्राप्ति भुगतान खाता है। लेकिन आज खाते में कहो कि यहाँ कहाँ का शेष अधिक रहेगा, कहाँ का योग अधिक रहेगा, डेबिट का रहेगा क्रेडिट का, कोई निश्चित नहीं है कहाँ का रहेगा। लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में निश्चित है कि डेबिट का योग प्राप्ति का योग अधिक रहेगा, आय व्यय खाते में निश्चित नहीं है। माने आय भी अधिक हो सकती है, व्यय भी अधिक हो सकता है। यदि आय अधिक है व्यय कम है तो अधिक कहलाता है सरप्लस, आय अधिक है क्रेडिट का योग अधिक है और डेबिट का योग कम है, आय अधिक है व्यय कम है तो जो अंतर कहलाएगा तो मैं ऐसे नहीं लिखते सरप्लस लिखते हैं, यानी कहते हैं टू सरप्लस। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है वे खाते जैसे इसकी प्रकृति नाम मात्र की होती है, इसकी प्रकृति कैसे होती है नाम मात्र की, बात नहीं कर रही मोबाइल कर रही हूँ बस। हाँ इसकी जो प्रगति होती है नाम मात्र की होती है, जैसे लाभ हानि खाते में नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था है ना, इसमें भी नेट लॉस नेट प्रॉफिट ना आते, यदि आय अधिक है व्यय कम तो जो उसका वो निकलेगा निष्कर्ष वो सरप्लस कहलाएगा, क्या कहलाएगा सरप्लस, अधिक कहते हैं उसको हिंदी में। यदि व्यय अधिक है आय कम है घटा देंगे जो कहलाएगा वो कमी कहलाएगा। अच्छा कि आय व्यय खाते में समायोजन किया जाता है, प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं करते, ये दोनों के लिए एक तरह से विशेषता है, ध्यान देने की बातें, ऐसे में तुम पांच छह अंतर अपने यहां बन जाएंगे, इसमें तुम्हारे तीन अंतर में एक अंतर आता आता। तो आज एक खाते में समायोजन किया जाता है, अगर तो समायोजन क्या कहलाते हैं, अगत व्यय पूर्व दत्त व्यय उपार्जिता है उपार्जिता है ह्रास पूंजी पर व्यय, इसमें पूंजी तो रहती नहीं है, व्यवसाय ही की पूंजी रहेगी, पूंजी पर ब्याज समायोजन का उदाहरण जरूर है लेकिन इसमें पूंजी आरंभ का काम नहीं है। आय व्यय खाते के बाद बनाने के बाद क्या बनाया जाता है, चिट्ठा बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ये दूसरे स्टेप में कहेगा। सबसे पहले एक तरह से वित्तीय विवरण ही है, जैसे वित्तीय विवरण में व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण में व्यापार खाता बना, लाभ हानि खाता बना, चिट्ठा बना, ऐसे इसमें आय व्यय खाते के बाद पहले बनेगा प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाते के बाद बनेगा आय व्यय खाता, आय व्यय खाते के बाद क्या बनेगा चिट्ठा। आय व्यय खाते से चिट्ठे का संबंध क्या है, ये जो उसका वो निकलता है बैलेंस जिससे आदि किया क्या कहते हैं कर्म, आदिम का आता है तो पूंजी में जुड़ जाता है, जैसे एक तरह से मान लो नेट प्रॉफिट कहला गया, लाभ हानि खाते क्या कहला गया नेट प्रॉफिट जोड़ ना देते, और कभी क्या कहला गया हानि कभी कब निकलती है जब वे अधिक रहते हैं आय कम रहती है, एक तरह से कभी क्या कहला गया हानि। और इसको क्या करते हैं बैलेंस शीट में
कैपिटल से घटाते हैं, कमी को घटाते हैं, आगे को जोड़ते हैं। अच्छा, और वह खाते की प्रकृति, अभी प्रकृति के बारे में चर्चा हो गई थी, जो खाते में प्राप्त भुगतान खाता है, आय व्यय खाता है, आय व्यय खाते की प्रकृति नाम मात्र की होती है। भाई की होती है नाम मात्र, माने नाम मात्र से क्या मतलब हुआ, सभी व्ययों को डेबिट और सभी प्राप्तियों को, आयों को क्रेडिट। अरे वह समझ में, इनको नोट करो सबको, जो पॉइंट समझ में आए, ये चीज समझ में आ गए तो आय व्यय खाता फिर प्रैक्टिकल बताओगे। अच्छा, आय व्यय खाता एक तो प्राप्ति भुगतान खाते के बाद यदि प्राप्ति भुगतान खाता बना है तो उससे आय व्यय खाता बन जाएगा। अब कुछ प्रश्न ऐसे दे रहे हैं, खूब सारी मदद दी गई है, उनसे छाट के सेट करना है, आय व्यय खाते में क्या लेना है क्या नहीं लेना, जब जानेंगे, जानकारी रखेंगे, नियम बनेंगे, कुछ को लेंगे कुछ को नहीं छोड़ेंगे।